जल्दी से दीजिए इसको रख लो रख लो मेरे को पता तो बोलेंगे डेली देखता तो वादे क्या कर दो, एक सौ नहीं, नहीं पाँच सौ अरे पहले देख तो लो पसंद आ रही आ रही है इज़ वेलकम वेलकम बैक टू माई चैनल तो कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग बहुत 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 बढ़िया होंगे सो so, बहुत टाइम के बाद से मैं फिर हाजिर हूँ एक मेकअप वीडियो के साथ सो so, भाभी को यहाँ पे हमारी जेठानी जी जो हैं उनको जाना था अपनी फ्रेंड की शादी में सो so, मैं यहाँ पे उनको कर रही हूँ रेडी तो so, सबसे पहले उनका फ़ेस वॉश करवा करके और फिर उसके बाद से मैंने मॉइस्चराइज़र वग़ैरह लगाया उनके फेस पे सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाया देन उसके बाद से मैंने प्राइमर लगाया मैं बहुत ही लंबी मतलब एक से डेढ़ घंटे की वीडियो हुई थी तो मैं उसको छोटी छोटी चीज़ों को स्किप कर रही हूँ बस मैं आपको बताते जा रही हूँ सो यहाँ पर मैं मॉइस्चराइजर के बाद से उनको मैंने प्राइमर लगाया पूरे फेस पे अच्छी तरीके से उसको मिक्स कर लिया एंड भाभी को पहले साड़ी वगैरह सब कुछ मैंने पहना दिया था उसके बाद से फिर मैं इनका यहाँ पे मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ सो so, काफ़ी टाइम के बाद से मैंने मेकअप किया एंड काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी भाभी सो so, यहाँ पे सबसे पहले मैंने बीबी -बी क्रीम लगाया मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर के बाद से जो कंसीलर और फाउंडेशन मिक्स होता है सो so, वो क्रीम लगाई इनके फेस पे और मैं आपको बता दूँ हमारे पास मेकअप का सामान बिल्कुल भी नहीं था बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा था मेकअप का सामान जिसमें मैंने कुछ में प्राइमर मिक्स करके थोड़ा सा उसको बढ़ाया एंड सूख सा गया था सो so, आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि जब आपके पास मेकअप का सामान ख़त्म हो गया हो सो उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं तो so, बीबी क्रीम लगाने के बाद से अब इसको मेरे पास ब्लेंडर भी इस टाइम पे नहीं था मतलब मैं सारी चीज़ें जो आ, थोड़ी बहुत ख़राब सी हो गई थी उस, उसको मैंने हटा दिया फेंक दिया एंड यहाँ पे मैं इसको पूरी तरीके से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी पूरे फेस पे ब्रश की हेल्प से एंड आपको बता दूं जो मेरा भी मेकअप का सामान था वो भी इस टाइम पर मेरे पास अवेलेबल नहीं था जो थोड़ा बहुत चीज़ें बची हुई थी मैं उन्हीं से भाभी को तैयार कर रही हूँ और फिर यहाँ पर मैं उनको फाउंडेशन लगाती हूँ थोड़ा सा बीबी -बी क्रीम में था बट थोड़ा सा अलग से लगा रही हूँ ताकि हाईलाइट सा हो थोड़ा सा बहुत ही हल्का सा लगा रही हूँ ज़्यादातर फेस पे आइज़ के पास एंड नोज़ पे कॉन्टोर एरिया पे एंड गले पे कभी कभी मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राउड होता है मैं मैं तो बहुत कुछ कर लेती हूँ <laughs> मतलब मेकअप वगैरह भी लगभग एक इतना तो कर लेती हूँ कि पार्लर जाने की ज़रूरत ना पड़े कोई शादी फंक्शन में सो so, अच्छा भी लगता है कि हाँ चलो मैं कर तो लेती हूँ <laughs> और वो भी बिना सीखे मतलब मैंने कभी भी कोर्स नहीं किया है कोई भी ऐसा सो so, उस उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ बिना सीखे कहीं पे बिना पैसा लगाए और हाँ इतना कुछ कर लेती हूँ ठीक है सो so, अब यहाँ पे मैं इनका आई मेकअप कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इनका बेस रेडी किया बेस के लिए मैंने लाइट शेड में ब्राउन कलर का लिया है जो मैंने दोनों आइस पेन के फिलअप कर दिया है और उसके बाद से इनकी साड़ी के ही मैचिंग का कलर मैंने लिया जो कि थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू में था जो स्काई ब्लू और ग्रीन का मिक्स होता है वो कलर था सो तो इनके साड़ी के ही मैचिंग का मैंने इनको आई शेडो पैलेट लगाया सो so, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आ, मतलब बिल्कुल ही इनके साड़ी के मैचिंग का पैलेट मुझे मिल भी गया था सो so, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा था एंड ऊपर जो मैंने बेस रेडी किया था उसकी वजह से भी काफ़ी अच्छा लुक आ रहा था दोनों का मिक्स हो करके और अब यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनको आईलाइनर मुझे दूसरों की आंखों पे आई लगाने में बहुत ही ज़्यादा डर लगता है क्योंकि अपनी आंखें अपनी आंखें अपने, अपने अकॉर्डिंग संभाल में रहती हैं दूसरे आंखें अपनी मतलब जैसे पलके हिलती हैं तो गलत हो जाता है तो यहाँ पे आई लगा देती हूँ और आंखों पे आई लगाने के बाद से जो काजल का एरिया होता है वहाँ भी मैंने पहले आई से आउटलाइन किया क्योंकि काजल कई बार क्या होता है मेरी आंखों में तो ज़्यादातर मैं कितना भी ब्रांड से ब्रांड काजल लगा लूँ वो मेरी आंखों में पता नहीं क्यों फैल ही जाता है सो so, यहाँ पे इस वजह से पहले मैंने इनके आंखों में आई से आउटलाइनिंग कर दी एंड उसके बाद से काजल से फिलअप कर दिया इनकी आँखों को और फिर यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मशकारा और काफ़ी बड़ी बड़ी ऐसी आँखें भी लग रही हैं तो मुझे ऐसी आईज बहुत ही ज़्यादा पसंद है एकदम ब्लैकी ब्लैकी सी सो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ इनको मशकारा और फिर आंखों का मेकअप होने के बाद से यहाँ पे मैंने इनको ब्लशर लगाया हमारे पास ब्लशर भी अवेलेबल नहीं था तो मैंने लिपस्टिक की हेल्प से और इनको ब्लशर लगाया अभी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन पूरा मेकअप डन होने के बाद से काफ़ी अच्छा लुक आया था इनका सो अभी इसमें इसको कॉटन की हेल्प से थोड़ा सा अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी ताकि नेचुरल सा लुक आए काफ़ी ज़्यादा रेड रेड सा ना लगे फेस ब्लशर वगैरह हल्का हल्का हो फेस पे तो अच्छा लगता है सो so, यहाँ पे लिपस्टिक की हेल्प से ही मैंने काजल लगाया एंड एक चीज़ की कमी हो गई थी हमारे पास वो है हाइलाइटर हाइलाइटर नहीं था हमारे पास बट फिर भी कोई ख़ास ऐसी ज़रूरत नीड नहीं पड़ी सो so, अब यहाँ पर मैं लगाऊँगी लूज़ पाउडर कॉम्पैक्ट पाउडर सो so, सारा मेकअप डन होने के बाद से और फिर यहाँ पे बारी आती है हेयर है स्टाइल की सो so, मैंने उनका हेयर स्टाइल सोचा था कि कर्ल्स में करूँगी तो यहाँ पे कलर मशीन को मैंने हीट होने के लिए रख दिया है एंड तब तक मैंने इनके बालों को सुलझा रही थी और यहाँ पे मैंने सबसे पहले इनकी बीच की मांग निकाली एंड सिंदूर फिलअप किया क्योंकि इस मस्त सिंदूर मस्त है मैरिड लोगों के लिए तो सबसे पहले मैंने सिंदूर लगाया मैंने सूखा सिंदूर लगाया क्योंकि सूखे सिंदूर का यार अलग ही लुक आता है तो मुझे मुझे जो पसंद है मैंने अपने अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करी तो यहाँ पर बहुत ही थोड़ा सा ये नहीं कि पूरी मांग भर के मैंने थोड़ा सा लगाया है सूखा सिंदूर इनको और उसके बाद से अक्सर क्या होता है जैसे हम जिस आ, साइड को फोल्ड करके हेयर्स करते हैं अगर हम उसके अपोजिट साइड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेयर बाउंसी में आते हैं एंड वही चीज़ मैंने इनके साथ भी किया ये आ, दूसरे साइड को हेयर्स फ़ोल्ड करती है एंड मैंने इस साइड किया तो काफ़ी ज़्यादा बाउंसी बाउंसी सा आ रहा था और उसके बाद से फिर मैंने आ, पूरे हेयर्स को इनके कर्ल किया था जो कि आपको अभी वीडियो में आगे देखने को मिलेगा बाकी के जो इनके हेयर्स थे एक्स्ट्रा हेयर्स थे उसको मैंने रबर बैंड से बांध दिया ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना क्रिएट हो एंड फिर उसके बाद से थोड़े थोड़े हेयर्स को लेकर के और पार्ट्स में करके और उसको मैंने फिर कर्ल करना स्टार्ट किया काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था हेयर्स में कम से कम आधे घंटे का टाइम लगा था सिर्फ़ और सिर्फ हेयर्स में क्योंकि पूरे बाल को कर्ल्स करना भैया बहुत आफत की चीज़ें हो जाती हैं सो लेकिन मेरा मन था कि मैं पूरे हेयर्स को कर्ल करूं सो यहाँ पे मैंने पूरे हेयर्स को इनके कर्ल किया था सो so पार्ट्स में कर करके और फिर उसके बाद से हमने हेयर्स को कर्ल किया आप लोग कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि कैसा मेकअप किया था मैंने एंड हेयर स्टाइलिंग कैसी लग रही थी ज़रूर कमेंट करिएगा अगर अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट करिएगा बुरा लगे तो बुरा कमेंट करिएगा क्योंकि अगर आप कुछ बताते भी हो कि हाँ ये चीज़ अच्छी नहीं है तो उससे मुझे ही कुछ सीखने को मिलेगा तो जैसा भी आपको मेरे ब्लॉग्स लगते हों जो भी चीज़ें आपको कमी लगती हैं वो सारी चीज़ें बताओगे तो मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव करूँगी सो so, कमेंट ज़रूर करिएगा so, ऐसे पार्ट्स में हेयर्स को मैंने करके और फिर उसके बाद से जो बैक साइड के हेयर्स थे उनको भी मैंने पूरे हेयर्स को कर्ल किया सबसे पहले फ्रंट पे ऐसे कर्ल किया जो कि अभी थोड़ा सा लूज़ हो जाता ये देखिए सारे हेयर्स इनके कर्ल हो गए हैं लगभग लगभग धर्म पत्नी को तैयार कर दिया मुझे नेक चाहिए तब आपको जाने को मिलेगा नहीं, 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 जल्दी से दीजिए रख लो रख लो मेरे को पता तो बोलेंगे <laughs> <क्या कर> <laughs> जल्दी दीजिए अरे छोड़ो यार खाना अरे जल्दी दीजिए नहीं पाँच सौ पहले देख दो आपके सामने बोल रहे आऊंगा तो दूंगा ठीक नहीं तो खराब होगा यार ये देखे देखे कितना सुंदर तैयार त्यार रुकुल। 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 दे दो